ওম স্টার্লিং গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্তা পুনিত গোয়েল। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে যে স্কলারশিপ স্কিম চালু করা হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। মূলত দুর্বল অংশের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই স্কিম চালু করা হয়েছে বলে জানান তিনি। লঞ্চ করতে নর্থ ইস্ট কে লিয়ে সব মেইন পারপাস ইয়ে রহা कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी हमारी ओपिनियन है काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं हम और मेरिटोरियस भी हम लोग चाहते हैं। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये भी रहता है कि इकोनॉमिकली वीकर भी रहते हैं तो उस सारी चीज़ को सोचते हुए हमने ये जो स्कॉलरशिप स्कीम दी है इस स्कीम के अंदर हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स से हॉस्टल का फूड का और जो एक एक्सपेंसिस होते हैं वो लेंगे। जो ट्यूशन फीस है वो सारी की सारी हमें हमारी एक गरिमा फाउंडेशन के करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वैसे पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए काम करती है जिसको कि मैम देखते हैं बट उसके अंदर हमने गर्ल्स और बॉयज़ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो रियली में एक तो वीकर सेक्शन से हैं या वो स्टूडेंट्स जो वीकर सेक्शन के साथ मेरिटोरियस हैं बट उनको अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही है उसके लिए हम लोगों ने ये स्कीम का शुरू किया है। और ये स्कीम मतलब जैसे हमारे कोर्सेज हैं फार्मेसी के हैं लॉ के हैं एग्रीकल्चर का है पैरामेडिकल का है जनरल जैसे बीटेक है कंप्यूटर साइंस एआई है इन सारे जो कोर्सेज आज की डेट में प्लेसमेंट ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके लिए हम लोगों ने ये स्कीम लॉन्च की है ताकि स्टूडेंट्स यहाँ से जाए और अफोर्ड करके एजुकेशन लेके और अपना उसका प्लेसमेंट अच्छा हो तो उसको किसी तरह की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। ফার্মেসি কোর্স এবং ল কোর্স সহ অন্যান্য বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে স্কিমের সুবিধা পাওয়া যাবে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া যাবে বলে পুনিত গোয়েল জানান। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।